निशान अल्टिमा 2012 लुक। मसला है इसमें ये गाड़ी क्रैंक हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये गाड़ी अचानक इसका इंजन ऑफ हो गया रास्ते में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑफ हो रहा है, क्रैंक हो रहा है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसको स्कैन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कोड को चेक करते हैं सबसे पहले। इंजन में चलते हैं और रीड कोड देखते हैं। तो यहाँ पे नो कोड यानी कोई चेक करेंगे। इसको मैन्युअली तरीके से चेक करेंगे और साथ में चेक करेंगे इंजन स्पीड स्कैनर के अंदर क्रैंक सेंसर का रोटेशन चेक करेंगे। तो इसमें इंजन स्पीड है तो जैसे आप देख सकते हैं क्रैंक से सिग्नल काम कर रहा है क्रैंक, और यहाँ पे कोई स्पार्क नहीं आ रहा है। इसका क्रैंक सेंसर सही है लेकिन स्पार्क नहीं आ रहा है, कोई स्पार्क नहीं है। स्पार्क नहीं है तो अभी चेक करते हैं इग्निशन कॉइल के पावर और ग्राउंड। पिन वन पावर है, पिन टू ग्राउंड है और पिन थ्री सिग्नल वायर है। तो इसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा है और ग्राउंड आ रहा है, पिन वन में भी ग्राउंड आ रहा है। तो कहें तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मैंने टेस्टर को पॉजिटिव पे लगाया, अभी नेगेटिव पे लगा के पॉजिटिव नहीं आ रहा है। अभी सबसे पहले फ्यूज चेक करते हैं, इसमें मेन पॉजिटिव करंट नहीं आ रहा है। गाड़ी अचानक बंद हुई है, गाड़ी का इंजन रास्ते में। तो यहाँ पे इग्निशन फ्यूज है, उसको चेक करते हैं। आईपीडी मीटर के अंदर इग्निशन फ्यूज है। तो ये फ्यूज खराब है, इग्निशन फ्यूज खराब है। एक साइड में करंट आ रहा है, एक साइड में नहीं आ रहा है। तो ये फ्यूज क्यों खराब हुआ है, अभी दूसरा फ्यूज ट्राई करेंगे लगाने के लिए। कभी भी कोई भी गाड़ी में अगर फ्यूज खराब है तो उसका लाजिम कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा। फ्यूज कभी भी खराब नहीं होता। तो ये फ्यूज हम अभी निकालेंगे और देखेंगे। ये फ्यूज हो गया है तो लाजिम कुछ मसला है। अब इसमें हम दूसरा फ्यूज लगाएंगे और फॉल्ट को ढूंढेंगे। जब तक फॉल्ट नहीं मिलता है फ्यूज लगाने का कोई फायदा नहीं। तो जैसे हमने दूसरा फ्यूज लगाया वो भी साथ में उड़ गया। अभी शॉर्ट कहाँ पे है, हम इसका शॉर्ट ढूंढेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। निशान अल्टिमा कॉमन फेलियर। इसमें तीन पिन है इग्निशन कॉइल में, पिन वन जो है वो पॉजिटिव है, पिन टू ग्राउंड है और पिन थ्री कंप्यूटर से सिग्नल आता है। तो ये जो वाइट वायर है ये कहाँ पे शॉर्ट हो रहा है,
कहीं पे शॉर्ट हो रहा है। अभी हमने ट्रेस कर लिया है, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें भी ये वाइट वायर है, इसके पीछे हमने जब चेक किया तो यहाँ पे एक 10 नंबर स्क्रू है, 10 मिलीमीटर बोल्ट है जो कैम सेंसर पे लगा हुआ है, इसके साथ वायर टच होके शॉर्ट हो गया। वाइब्रेशन से, इंजन के वाइब्रेशन से यहाँ पे इस 10 मिलीमीटर स्क्रू के साथ वायर शॉर्ट हो गया है। तो ये कॉमन फेलियर आते हैं, ये छोटा मोटा काम आता है ये गाड़ियों में। अभी ये देखो, ये मामूली काम से इतना बड़ा मसला बन गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से शॉर्ट हो गया था। तो निशान अल्टिमा में सबसे पहले ये मामूली काम था और पूरा गाड़ी इससे बंद हो गया था। कस्टमर रिकवरी से लेकर आया, तो ये मामूली काम से आदमी कभी कभी बहुत ख्वार होता है। तो इस तरह अभी हमने इसमें दूसरा फ्यूज़ फिक्स किया, शॉर्ट को ट्रेस किया, अभी फ्यूज़ बिल्कुल सही है। स्टार्ट, अभी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह।